वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक और मीशो के रिव्यू को लेकर प्रेजेंट हूँ आपके सामने। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ। और ये मैंने अपने घर के लिए कुछ मंगाया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सही सी चीज़ मुझे लगी, बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में। जो फ्रिज की कवर होती है ना, ये वो है। मटेरियल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसकी जो प्राइस थी वो देखकर मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी की आएगी। इसकी फैब्रिक काफ़ी अच्छी है, ऊपर और नीचे यहाँ पे वुवन क्लोथ, नॉन वुवन क्लोथ भी है, और ये साइड में पॉकेट्स बनी हुई हैं। इसकी एक्चुअल प्राइस 178 रुपीज़ की थी, बट मुझे ये ऑफ में 132 रुपीज़ की मिली है। और ये देखिए, यहाँ पे तीन कंपार्टमेंट पॉकेट्स बनी हुई हैं, एंड ये पॉकेट्स दोनों साइड में। ये हमें फ्रिज के ऊपर से डाल देनी है, यूँ ऐसे हम डालते हैं ना। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। इसके साथ में मुझे ये भी मिला है, ये जो है फ्रिज के अंदर के मैट्स हैं, जो फ्रिज के अंदर में जगह बनी होती है सामान रखने का, उसके ऊपर रखने के लिए मैट्स है। कई बार ये क्या होता है, हम रखते हैं तो फ्रिज से जब हम सामान निकालते हैं, दही निकाल रहे, दूध निकाल रहे, तो वो वहाँ पे गिर जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मैल जमने लगती है किनारों पे। तो इसे हम रख सकते हैं जिससे हम आसानी से साफ कर पाएंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी फ्रिज ऑर्गेनाइज करके इनके साथ दिखाऊंगी। मैं वीडियो दिखाऊंगी फ्रेंड्स, बट सिर्फ जब ही अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि आप जानते हो मेरी स्टिचिंग रिलेटेड है, तो मैं ऑर्गेनाइजिंग वीडियो ज़्यादा पोस्ट नहीं करती। अगर आप बोलोगे तो मैं पोस्ट करूंगी, एंड बट इसकी लुक ज़रूर मैं शेयर करूंगी। वीडियो के एंड में मैं इसकी लुक आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आपको भी ये प्रोडक्ट अच्छी लगी होगी। इसकी कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, या फिर कमेंट को मैं पिन कमेंट करके पिन कर दूंगी। सो आप भी अपने घर पे इस तरीके के चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये चीज़, क्वालिटी सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने खुद ही ख़रीदा है। कोई कोलैबोरेशन या फिर रिव्यू पर्पज़ पे मुझे फ्री नहीं आई है, ये मैंने खुद ख़रीदी है, तो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। थैंक यू ऑल। के ऊपर डालने के लिए आया था, उसे मैंने इस तरह से डाले हैं। आप भी अपना फ्रिज को इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, देखिए जैसे मैंने किया है, और अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और हेल्पफुल लगी हो। बाय बाय।